जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें पैगाम पहुंचाए। पैगाम पहुंचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूं कि मैं आम भी नहीं करता, अभी तो या मैं है नहीं इसलिए बोल रहा हूं। जो अभी अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर। ये हमारी इस्लाम की तालीम है कि कुछ चीज छुपाना चाहिए, कुछ चीज जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूं। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूं कोशिश करता हूं लोग को के कुरान जी आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की, और मैं पब्लिक के सामने कहता हूं कि पाकिस्तान में सब सारे मुसलमान मुल्क सारे मुल्क मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई ताली मार रहे माशाल्लाह, आप चाहे या न चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं तीन जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक दीने को ले, क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ ताकि वो सारे मजाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल मास्टर देम ऑल वलौकय मुशिकून, दो जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौकय मुशिकून, कितना भी वो मुशरिक लोग गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वह कफा बिल्लाही शहीदा, और काफी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये तीन जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होंगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होएगा, 20 साल बाद होएगा, 200 साल बाद, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है। इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 7 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात हम मुसलमान की है तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते ही हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉक, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके हैं, कुरान पे अमल नहीं करते अक्सर लोग। मुमालिक नाम में रहेंगे लेकिन काम से नहीं है। तो अगर हम कुरान और हदीस पे चले, और जैसे आपने इल्तिजा की कि शरिया ला होना चाहिए, मैं भी जानता हूं सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में हो। अगर पूरे दुनिया में शरिया नाजिल होगी तो इंशाअल्लाह अमन होगा, कौन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, कौन आपको धमकी नहीं देगा, कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं आपको, ना जिना दिखेगा। और हदीस में आता है 7 साल तक पूरे दुनिया में अमन रहेगा। प्रॉब्लम ये है हम मुसलमानों में, कम कहते हैं मुस्लिम है शरिया है या, लेकिन अमल नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि कौन जिम्मेदार, इसका कौन जिम्मेदार, पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान में, कौन पब्लिक सब है, सब इन्वॉल्व है माशाल्लाह। आप
आपने इलेक्ट करके इनको ले जाए ना। डेमोक्रेसी इस्लाम में अलग डेमोक्रेसी था, ऐसी होती नहीं, बट फिर भी आप है। अगर अगर आप चाहे कि वो लोग आए जो इस्लाम को कायम करे, अभी के लोग भी कायम करना चाहते हैं मुझे पता नहीं, आप लोग अगर करेंगे, आप चाहेंगे तो हो सकता है, आप नहीं चाहते होंगे, आपकी गलती है। तो अगर हम चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, और ये इसकी बुनियाद, ये मुल्क की बुनियाद ही है इस्लाम। इस्लाम के नाम पे अलग हुआ तो आपके लिए और आसान है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो आप जो तरीका है, जो अच्छे दानेश्वर है मुसलमान पाकिस्तान में, मिलो जाके उनसे बात करो, क्या लॉज है पढ़ो, और इंशाल्लाह मन के साथ ही हो सकता है। बेनसी हाथ में आपके है, मेरे नहीं। जितना अल्लाह ने मुझे सहला दी मैं तो दावत देता हूं, वो तो मेरा काम है, लेकिन ये चाबी आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। मैं तो आया कर चले जाऊंगा, बराबर के नहीं, चाबी आपके हाथ में, आपसे पूछा जोगी। तो जैसे भाई साहब ने क्या, मैं रिक्वेस्ट तो कर दिया हूं, इंशाल्लाह हम देखेंगे कितना जल्दी होता है। ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, सारी दुनिया में, ये लेक्चर में कहता हूं मैं, सारी दुनिया में इस्लाम का कानून होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं, अगर डिबेट हो जाए, डिबेट हा, लेट्स हैव अ डिबेट कि कौन सा कानून बेस्ट है, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या इस्लामिक हो, सेक्युलर हो, इस्लाम की तरफ से मैं आऊंगा। मैं कोई आलिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं बोला अगर दम है किसको तो डिबेट करो भाई, मैं साबित करूंगा साइंटिफिकली लॉजिकली कोई बेहतर कानून ने बनिस्बत अल्लाह के। आप कोई यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, यूके का लेके आओ, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इस्लाम के धर्म से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे वक्त देना पढ़ने के लिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना मैं, तहकीक करूंगा ना, तहकीक करके इंशाल्लाह इस्लाम के तरफ से मैं हाजिर हूं, साबित करूंगा। लाइव डिबेट फ्री बड़े मैदान में करेंगे। ये भाई साहब ने 1 लाख का गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया इनने, 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख किशनगंज में, 10 लाख, 1 लाख नहीं, 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़ी गैदरिंग 10 लाख है। इंशाल्लाह अगर कानून पे भेज हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। इस्लाम के तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। अब डॉक्टर राजेश, आपने मुझे इल्तिजा की, मैंने बोल दिया जवाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं है, बुत परस्ती गलत है या? माशाल्लाह, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये दो चीज जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए दो चीज की जरूरत है, मानो कि एक खुदा है और उसका कोई मामूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान है, माशाल्लाह। आप समझे ना, मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मेरे एक और सवाल है, बट पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या नहीं, मेरा सवाल था आप मानते खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका मतलब मुस्लिम है आप? माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए, शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत? आप मान लो मुस्लिम है, तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के, कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नीचे इधर हजारों लोग है, 50,000 लोग है, किसमें दम ही नहीं था। जी हाँ, आप मर्द के बच्चे हैं माशाल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल,
समझे ना डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है जी हाँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं जी हाँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है कि माइनॉरिटी के हकूक मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी रियासत के लिए क्या हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक, और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हकूक है उस इस्लामिक रियासत के। नंबर वन, इस्लामिक रियासत ये दो चीज़ें, वो गैर मुस्लिम है तो इस्लाम में कोई भी किसको ज़बरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम कबूल करने, लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज़ उनके लिए होता है जिम्मी, गैर मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्रछाए में रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं माने अल्लाह के, वो चाहे अल्लाह तीन माने नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में, तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है आज की तारीख में, कपल ऑफ हंड्रेड डॉलर, ज़्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स भरते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज़्यादा है, तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में, तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी है उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी कत्ल, मुसलमान थे यहूदी लड़की को मारते हैं कत्ल करते मुस्लिम, 10 मुसलमान यहूदी लड़की कत्ल करते, नाजायज था, सारों को सजाए मौत, ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से बाकी मुसलमान को प्रोटेक्ट होता है हर गैर मुस्लिम को ज्यादा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं, और अगर जंग होती है वो मुस्लिम मुल्क के दूसरे के साथ, आपको जंग में आने की जरूरत नहीं। बाकी मुसलमान चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे करोड़पति हो, अगर खलीफा ने कहा आपको जंग में हिस्सा लेना है तो लेना लाजिम है, उनके लिए कोई एस्केप नहीं है, लेकिन गैर मुसलमान के लिए वो अपने घर पे सुकून से रह सकते, दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो आप कंपेयर करो, आप इतना इनकम टैक्स देते आम शहर में फिर भी प्रॉब्लम होता है, या जिजिया दो मानो यू आर वेल प्रोटेक्टेड। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे सहाबा के दौर, खुल्फा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम चाहते थे इनवाइट करते थे गैर मुस्लिम, यहां आके भाई हमारे राजा को निकालो, आप आके रूल करो, खत लिखते थे हमारे खलीफा को, आप यहां, जब वो आते थे कुछ लोग मुसलमान बनते थे कुछ नहीं बनते थे, जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो भी लेकिन सुकून की नींद होते थे। तो इस्लाम जो स्प्रेड हुआ ये हमेशा जो हिस्ट्री में पता तलवार तलवार, ठीक कुछ तलवार हुई ऐसा नहीं कि नहीं हुई, लेकिन अक्सर जो फैला वो अमन के साथ फैला, हमारे ताजिर जाते थे उनको दिन अच्छा लगा मान लिए, मलेशिया इंडोनेशिया कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है। तो और आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है, गैर मुस्लिम के हुकूक ये है क्या वो देखे और रूल को फॉलो करे, जो कानून है उसको फॉलो करे, ऐसा नहीं कि वो कानून तोड़े तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो कानून है उसको फॉलो करे, ये देखे कि वो कोई भी इस्लामिक चीज के खिलाफ ना बात करे, नहीं माने नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे अगर नारे लगाए गए इनके खिलाफ उनकी तो गलत है, तो आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए।
आप महफूज हैं, आप अपना ईमान रख सकते हैं, ईमान बदलने की जरूरत नहीं है, वो इस्लामिक गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगी, आप समझे ना। तो मुझे पता है कि जब बांग्लादेश में लास्ट मंथ कुछ मुसलमान हिंदू टेंपल को अटैक किए और बांग्लादेश में मेरी बहुत फॉलोइंग है, तो इमीडिएटली मैंने मैसेज दिया कि हिंदू टेंपल को अटैक करना गलत है। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे यहूद का हो, अटैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ फितना या कुछ कर रहे तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर अगर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है वो इस्लामिक मुल्क में महफूज है, महफूज है। तो ये इस्लामिक कानून है, आप समझे ना। तो इन आप जितने भी रिलीजन देखेंगे, आप पास्ट में देखो क्रूसेडर्स ने क्या किए, कितने लोग का कत्ल किए, तो आप इस्लामिक देखेंगे कुछ लोग अच्छे मुस्लिम नहीं थे, लाइक मोहम्मद बिन गजनवी, उन्होंने काफी टेंपल को लूटा लेकिन मस्जिद को भी लूटा। वो लुटेरा था, मुस्लिम नहीं था, वो डाकू था, मुस्लिम नहीं था, आप समझे ना। तो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखे टेंपल लूटा, अरे भाई मस्जिद को भी लूटा उसने, आप समझे ना। तो हमारे पास बैड एपेंस भी है, लेकिन नहीं तो आप तारीख पर पढ़ेंगे तो मुस्लिम रूल में सब लोग खुश थे। आपको पता है जब मोगल ने इंडिया को रूल किया, मोगल ने जब इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोनी की चिड़िया, और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर 800 साल, 1000 साल जब मोगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शेयर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर आए क्या किए, लूटे इंडिया के शेयर, पूरी दौलत को लेके गए, कोहिनूर हीरा लेके। मोगल जब आए तो इंडिया को अपना घर बनाए, हिंदू के साथ भाईचारा था, कंट्री इकोनॉमी बढ़ी, सब लोग पावरफुल थे। जब ब्रिटिशर आके लूटे तो ब्रिटिशर ने पूरी दौलत लेके गए, हमको गुलाम बनाए, हमारे में हम तफरक पैदा किए, डिवाइड एंड रूल। आज की गवर्नमेंट यूके को तारीफ करती है और मुस्लिम को गाली देती है। जिसने हिंदुस्तान शेयर को इतना ऊपर किया उसको गाली देती है, और जिसने लूटा उसकी तारीफ करती है, उसकी चाटती है। इसके ऊपर एक हिंदू शशि तरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था, और मैं साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में आए, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश सजा लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम, और लोग और ब्रिटेन में उनके किताब में सिखाया जाता है ब्रिटिशर्स गो आउट एंड एडुकेट द पीपल, झूठ लिखते हैं, झूठ लिखते हैं, चोरी करते जाके बाहर गुलाम बनाते लोग को और बोलते हम उनको फायदे के लिए जा रहे। जब ऑपोजिशन आया तो जाते जाते भी देश के दो टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर, डिवाइड एंड रूल। तो जो आपका सवाल है कि इस्लामिक ज्यादा में इंशाल्लाह आपसे भी इंशाल्लाह करूंगा, तो मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन बोलेंगे तो इंशाल्लाह अमल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो उसका इंतजार करूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह शुक्रिया।